नमस्ते दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पॉपुलरिटी इन्वर्स के बारे में पढ़ा, हमने मेटास्टेटिक के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे रूबी लेजर के बारे में। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि हु इज डिस्कवरर ऑफ रूबी लेजर, किसने रूबी लेजर को डिस्कवर किया। तो 1960 के अंदर थियोडोर मेमन ने रूबी लेजर का आविष्कार किया था। दूसरा है कि किस टाइप का लेजर है, तो ये सॉलिड स्टेट लेजर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि उसमें कितने एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो उसके एनर्जी कितने हैं, 3 एनर्जी लेवल सिस्टम। तो यहां देख सकते हो 1, 2 and 3 एनर्जी लेवल के अंदर सिस्टम होता है। और पॉपुलरिटी इन्वर्जन किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, तो इसमें ऑप्टिकल पंपिंग द्वारा पॉपुलरिटी इन्वर्जन गेट किया जाता है। और लास्ट है कि लेजर एक्शन किस प्रकार प्रोड्यूस होता है, तो वो होता है रेड पल्स लेजर बीम, यानी कंटीन्यूअस बीम नहीं होती है, पल्स बीम होती है। पल्स का मतलब होता है कि कंटीन्यूअस ना होकर कुछ समय आई रुक गई, कुछ समय आई और रुक गई। और इसके बाद हम देखते हैं उसका कंस्ट्रक्शन। तो आप सबको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा और एक स्मॉल डायग्राम और दिखाई दे रहा होगा। उस ऊपर वाले डायग्राम में जो रूबी जो क्रिस्टल है, ठीक है, रूबी जो रॉड है, उसे नीचे यहाँ डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, रूबी क्रिस्टल इज ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि वो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है। रूबी क्रिस्टल क्या होता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है। और उसमें 0.05% वेट की क्या होती है, इंप्योरिटी होती है। किसकी इंप्योरिटी मिलाई जाती है, वो क्रोमियम एटम की इंप्योरिटी मिलाई जाती है। आप इस डायग्राम को क्लियरली देख रहे हो, नीचे वाले डायग्राम को, कि उसके अंदर जो रूबी भरा हुआ है वो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है। तो पिंक कलर का क्यों दिखाई दे रहा है, उसका रीजन है, लास्ट पॉइंट लिखा मैंने, क्रोमियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पिंक कलर, यानी कि क्रोमियम का जो कलरिंग होता है क्या होता है, विजिबल रेंज का होता है। तो वो क्या होता है, पिंक कलर का होता है हमेशा, तो आपको ये पिंक दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, रूबी रोड एक्ट एज एक्टिव मीडियम, यानी कि जो आपका रूबी जो रोड है आपका, जो रूबी है उनका क्या होता है, एक्टिव मीडियम, इसके लिए लेजर एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए ऑप्टिकल रेजोनेंट कैविटी फॉर लेजर एक्शन। यानी देखो, उस रूबी को जो है एक दोनों को दीवार में लाके उसके अंदर बंद किया गया, मतलब कैविटी बनाई, कैविटी उसको क्या किया, उसको बंद किया गया है। तो वहां पर देखिए कि वन साइड ऑफ रूबी रोड इज कंप्लीटली सिल्वर्ड, पहला साइड देखो आप उसका टोटली सिल्वर्ड किया गया है उसका, यानी कि उधर से कोई भी लाइट जो पास है नहीं हो सकती, केवल रिफ्लेक्ट हो सकती है। एंड सेकंड इज पार्शियली सिल्वर्ड, दूसरा के पार्शियली सिल्वर्ड किया गया है फॉर रिफ्लेक्शन, यानी कि वहां से रिफ्लेक्शन भी हो सके और ट्रांसमिशन भी हो सके। और नेक्स्ट क्या आपको, जीनोन फ्लेस गैस डिस्चार्ज टू, ऊपर डायग्राम को देखिए आप कि रूबी जो जो रोड है आपको, रूबी रोड को एक जो है वो एक ट्यूब से उसको बाइंड किया गया, मतलब बांधा गया है उसको, उसे क्या कहते हैं, जीनोन फ्लैश गैस डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, इज वाउंड ऑन सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब, ठीक है, उसके ऊपर वाउंड किया गया है। इसमें एक और ऑब्जर्व करने वाली बात है कि सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब इज ऑल्सो सराउंडेड बाई अनोदर ग्लास ट्यूब, किसी दूसरी ग्लास ट्यूब से और भी सराउंड की गई, मतलब ढकी गई है, थ्रू व्हिच वाटर इज सर्कुलेट, उसमें से क्या सर्कुलेट हो रहा है, पानी सर्कुलेट, देखो डायग्राम में वहां से क्या हो रहा है, पानी सर्कुलेट हो रहा है वहां से टू रूबी क्रिस्टल कूल, रूबी क्रिस्टल को ठंडा रखने के लिए वहां पे वो जो है वो रोड है उसको अंदर सराउंड की गई वहां पर। तो ये जो है हमने इसके की पॉइंट्स पढ़े और ये हमारे डायग्राम में जो दिख रहा है ये इसका कंस्ट्रक्शन है। अब उसकी वर्किंग के बारे में बात करते हैं हम। तो देखो कि वर्किंग के लिए जो पहला पॉइंट है वो क्या है हमारा, कि व्हेन अ फ्लैश ऑफ लाइट फ्रॉम जीनोन फ्लैश ट्यूब फॉलो रूबी क्रिस्टल, यानी कि जो आप डायग्राम देख रहे हो कि जो रूबी क्रिस्टल के ऊपर जो जीनोन की जो ट्यूब जो है वो राउंड की गई है, वहां से जब वो लाइट गिरती है किसके ऊपर, रूबी रोड के ऊपर जो लाइट गिरती है जब, तो क्या होता है, मान लिया ये ग्राउंड स्ट्रीट है, यहाँ पर रूबी क्रिस्टल द्वारा जो जीनोन लाइट है वो एब्जॉर्ब होती है। सेकंड पॉइंट क्या है, एब्जॉर्प्शन बाय क्रोमियम, ठीक है, जिसका मतलब क्या होगा कि ग्राउंड स्टेट में यानी रूबी क्रिस्टल द्वारा जीनोन की जो लाइट होगी, फ्लैश लाइट होगी, वो क्या होगी, वो होगी, और जो है क्रोमियम आयन है वो क्या करेगा, उस लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, वो जो है वो ट्रांजिशन करेगा। तो देखो ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन करेगा किसमें, एक्साइटेड स्टेट में करेगा। और यहाँ पर दो एक्साइटेड स्टेट है, 3A and 3B, क्रोमियम की क्या है, दो एक्साइटेड स्टेट है 3A and 3B, और जो यहाँ की जीनोम की लाइट को ऑब्जर्व करने एब्जॉर्ब करने के बाद में जो ट्रांजिशन हो रहा है वो दो प्रकार ट्रांजिशन होगी, एक तो हमारा येलो लाइट का ट्रांजिशन हो रहा है जो कि 5600 एंगस्ट्रॉम की, जो कि
3A में जा रहा है, ठीक है, और दूसरा ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट 3B में हो रहा है, जो कि ग्रीन लाइट का है, वो कितना है 4100 एंगस्ट्रॉम का है, और यहाँ क्या हो रहा है, ये पंपिंग हो रहा है, ट्रांजिशन है, यहाँ पर पंपिंग हो रहा है ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट के अंदर, एक्साइटेड स्टेट के अंदर। तीसरा क्या देखो, क्रोमियम प्लस 3 हैव सर्टेन एनर्जी लेवल व्हिच शूट 3 लेवल स्क्रीन फॉर लेजर एक्शन, यानी कि क्रोमियम जो होता है वो उसके पास किस प्रकार के एनर्जी लेवल होते हैं, सर्टेन निश्चित प्रकार के एनर्जी लेवल होते हैं जो किसके लिए सुटेबल होते हैं, 3 स्कीम लेजर एक्शन के लिए सुटेबल होते हैं। तो देखिए पहला ये रहा एक्साइटेड स्टेट, दोनों एक्साइटेड स्टेट है, ये दोनों क्या है मेटा स्टेट, जिसे 2 नंबर दिया गया, ये 2A और 2B भी कह सकते हैं अपन, ये मेटा स्टेट है और ये नंबर 1 जो है वो आपकी क्या है ग्राउंड स्टेट है आपकी। और नेक्स्ट क्या है, पॉपुलेशन इन्वर्जन टेक प्लेस इन मेटा स्टेट 2, यानी कि जब यहाँ से ग्राउंड स्टेट से एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे 3 एंड 3B से, और वहां से क्या होगा, वहां से ये मेटा स्टेट के अंदर क्या करेंगे ट्रांजिशन करेंगे। मेटा स्टेट में जब ट्रांजिशन करेंगे तो क्या होगा, मेटा स्टेट का जो टाइम पीरियड होता है वो ज्यादा होता है, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एटम्स की संख्या जो क्या होगी वो ग्राउंड स्टेट की वजह क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी, इसमें क्या कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर मेटा स्टेट में, स्टेट 2 में हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब अगला क्या है, ये तो हुआ हमारा डायग्रामेटिक फॉर्म में हुआ, अब एक्चुअली हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि प्रैक्टिकली क्या होता है। तो देखो प्रैक्टिकली क्या कह रहा है कि इफ वन फोटोन आउट ऑफ फोटोन्स प्रोड्यूस बाय इंड्यूस इमिशन, यानी कि कोई भी इंड्यूस इमिशन जब होता है, ठीक है, उसमें जितने फोटोन्स इंड्यूस हुए हैं उनमें से कोई भी एक फोटोन, ठीक है ना, इफ वन फोटोन आउट ऑफ फोटोन्स, यानी कि उन सभी फोटोन में से कौन से इंड्यूस फोटोन में से कोई भी एक फोटोन जो होगा मूव पैरेलल टू एक्सिस ऑफ ए रूबी क्रिस्टल, यानी कि आप देखो यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिख रहा है उसमें आपको एक रूबी रोड दिखाई दे रही है पिंक कलर की, जो दोनों तरफ से क्या हुई है पैक की हुई है, कैविटी बनाई हुई है, तो वो जब लाइट जो रूबी क्रिस्टल जो है वो एब्जॉर्ब करेगा तो वहां पर जो एक फोटोन जो है जो एक्साइटेड होगा और मेटा स्टेट में आएगा, यानी जो इंड्यूस होगा वो क्या करेगा उस रूबी रोड के अंदर क्या करेगा पैरेलल क्या करेगा मूव करेगा, यानी किसके बीच में मूव करेगा दोनों मिरर्स के बीच में मूव करेगा। तो देखो ना इन क्रिस्टल इट अंडरगो मल्टीपल रिफ्लेक्शन बिटवीन पैरेलल मिरर्स, आप देख रहे हो कि जो वो उस डायग्राम में जो फोटोन जो है वो इंड्यूस हुआ है वो क्या करेगा वो दोनों मिरर्स के बीच में क्या करेगा वो ट्रेवल करेगा और बार बार क्या होगा वहां से रिफ्लेक्ट होगा, वहां से प्रैक्टिकली वर्जन नहीं है, वहां से बार बार क्या होगा रिफ्लेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है, व्हेन इंड्यूस फोटोन इंटरैक्ट विद एन एक्साइटेड एटम इन मेटा स्टेट 2, यानी कि ये कह रहा है कि कोई भी इंड्यूस फोटोन है जो इंटरैक्ट करता है किससे एक्साइटेड स्टेट ऑफ मेटा स्टेट। चलो हम इसे यहाँ पर प्रैक्टिकली देखते हैं कि यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट से एटम कहाँ गए एक्साइटेड स्टेट में गए और एक्साइटेड स्टेट से वो कहाँ है वो मेटा स्टेट में, और वहां पर क्या वो वहां पर इकट्ठे हो गए, यानी कि वो पॉपुलेशन इन्वर्जन शो कर रहे हैं। तो जब यहाँ वो इकट्ठे हो गए फिर उसके बाद कोई भी एक जो फोटोन जो है वो इंड्यूस होता है, यानी कोई भी एक फोटोन जो है वो इस एक्साइटेड एटम से जो कि मेटा स्टेट में रखा है, ठीक है ना आपको, कि व्हेन इंड्यूस फोटोन व्हिच इंटरैक्ट विद एन एक्साइटेड एटम इन मेटा स्टेट 2, यानी कि मेटा स्टेट में जो एक्साइटेड एटम रखा है उससे अगर वो इंटरैक्ट करता है अगर तो इट इंड्यूस दिस एक्साइटेड एटम टू इमिट उस, यानी कि इस एटम को वो क्या करेगा फोटोन इंड्यूस करेगा, ठीक है, इंड्यूस This excited atom to emit a fresh photon. किसके लिए? एक fresh photon को emit करने के लिए वो क्या करेगा? उसको excited करेगा, induce करेगा उसको photon in phase with stimulating photon. और जो atom यहाँ पर excited atom है, वो photon से interact करेगा और induce हो जाएगा, तो वो atom ground state में आ जाएगा। वो जब यहाँ से यहाँ आओ, तो यहाँ से यहाँ, तो वो ground state में जब आएगा, तो वो क्या करेगा? एक similar photon क्या करेगा? एक इमिट करेगा, और जो प्रीवियस फोटोन होगा और जो फोटोन वहां इमिट हुआ है दोनों क्या होंगे? दोनों सेम फेज में होंगे, मतलब दोनों सिमिलर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वहां पे स्टिमुलेटेड फोटोन है। वो क्या है स्टिमुलेटेड फोटोन, मतलब क्या होता है सारे फोटोन एक जैसे होते हैं और स्टिमुलेटेड फोटोन की जो फ्रिक्वेंसी है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगी, कि वो इस लेवल से अगर यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर आता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 6943 एंगस्ट्रॉम होगी, और अगर वो इस लेवल से यहाँ आता है तो क्या होगा 6946
2.9 उसकी क्या होगी फ्रीक्वेंसी होगी। तो रूबी लेजर जो होता है वो एक पल्स लेजर होता है जहां पर हमें कंटिन्यूस जो क्या होती है कंटिन्यूस हमें लेजर नहीं मिलती, हमें पल्स की फॉर्म में वहां पर लेजर मिलती है।